प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने रविवार को एनेक्सी भवन सभागार में स्वास्थ्य विभाग के शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों और रैपिड रिस्पांस टीम के साथ बैठक की। बैठक में नोडल अधिकारी संजय भूसरेड्डी ने निर्देश किया कि गुणवत्ता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की जांच करते हुए संक्रमितों की पहचान करते हुए उनका समय से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि रैपिड रिस्पांस टीम अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की जाँच करने हेतु उनके घरों पर जाएँ और अपनी रिपोर्ट दें कि मरीज होम आइसोलेशन में रहने योग्य हैं या नहीं। अगर मरीज होम आइसोलेशन में रहने के योग्य नहीं है तो उसे उसकी स्थिति के अनुसार तत्काल L1, L2 या L3 के चिकित्सालय में भर्ती कराकर उसका इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यों का समय मूल्यांकन करते हुए अपनी कमियों को दूर करते हुए और भी बेहतर कार्य कर लोगों के जीवन की रक्षा करनी है और कोरोना के इस लड़ाई को जीतना है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमें तकनीकी संसाधन की मदद से अपने कार्यों में लेकर और बेहतर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हर PSC CSC पर जांच की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना की जांच किया जाए। बैठक के दौरान मंडलायुक्त जयंत नारिकर ने कहा कि सभी MOIC अपने कार्यों की स्वयं आकलन करके देखें और अपनी कमियों को दूर करते हुए कोरोना की इस लड़ाई में और मेहनत करें। हम सब मिलकर कोरोना की इस चेन को रोकना है। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अभी तक किए गए कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों की जांच किया जा रहा है और होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की भी निगरानी किया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बढ़ाया जा रहा है। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नोडल अधिकारी संजय खत्री, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर JM त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सगरवाल व RRT सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। RRT के हमारे जो जगह जगह जा रहे हैं आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं लास्ट टाइम जो हम लोगों का सेशन हुआ अभी मंडलाय के साथ बड़ी तरह के तो PSC को बुलाया है जो RRT मेरा आपसे अपेक्षित है वो थोड़ा कठिन है, काफ़ी देर जल भराव रहता है तो उसका ब्रेकडाउन हो गया तो वो रिप्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन लास्ट टाइम मेरे जाने के बाद पहला 4-5 दिन तो बहुत असर आप लोगों के कार्य में सुधार नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद एक और आपकी मीटिंग होने के बाद काफ़ी RRTC के इसमें सुधार आया है। मेरा अनुरोध है कि मैं RRT की हेड को नहीं यहाँ पे वी रेडी RRT ये इनकी मैपिंग हो गई है। मैंने पिछली बार कहा था कि क्लस्टर मैपिंग कर ले जो हमारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है, मैं दैट बीन डन और बताया गया इसको तो हमने कहा था कि क्लस्टर नहीं कर लिया सर। ने पिछली बार मैपिंग के लिए कहा था क्लस्टरिंग कर लें कि आपके किस एरिया में केसेस कहाँ हैं, अपने अपने एरिया में उन्हें किया है कुछ लोगों ने या किसी ने किया कम है वहाँ की RRT टीम वहाँ पर देखिए बोला है। देखिए मैंने आपसे ये कहा, देखिए इस कमरे में बैठ के हम लोग तय कर रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ पे केवल हम सब अपना पारिवारिक समय छोड़ के संडे को 7 दिन आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ आए बैठे और कुछ चर्चा करें और चले जाए और उसका अनुपालन न हो तो फिर हम उस पर ये भी निर्णय लें कि ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कि जब आपको एक बार कह दिया गया है कि आप अपने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के अपने CSC के या अर्बन CSC या दूसरा डिजिटल CSC जितने भी टाइप के हमारे रूरल CSC PSC है और अर्बन है उनके MOICs के साथ में डिप्टी CMOs के साथ में और CMO साहब के साथ में करके जो हमारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके डायनामिक क्लस्टरिंग करना होगा, क्योंकि एक पेशेंट है 14-15-17 दिन हो गए वो बाहर होता जाएगा, नए पेशेंट्स ऐड हो जाएंगे तो आप अगर क्लस्टरिंग नहीं करोगे ना तो आपको टच बेस करने में दिक्कत होगी।
फिर आपका जो स्पैन है हर पेशेंट के साथ टच बेस करने में, वो स्पैन आपका बढ़ता जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन जो आपसे शासन की उम्मीद है कि दिन में आप टच बेस करेंगे, कंट्रोल रूम तीन बार बात करेगा, वो नहीं हो पाएगा। And sorry for my saying last time it was friendly, it was very, very, very long period to touch base. That will not be tolerated. Therefore, if you don't do an exercise, simple pen pencil लीजिए और अपने area का नक्शा लीजिए और उस पर touch base करिए कि कहाँ कहाँ पे आपके COVID positive patients कितने हैं और उनको एक clustering करिए। ये आपका नक्शा हर दो तीन दिन में change होता जाएगा। Today there would be some patients who would go out of the cluster and some more would add. So please इसको आप लोग जितने भी RRTs हैं, आप लोग ये सब के expert हो, NRM का आप लोग program चला रहे हो, आपको सब चीजें पता है, ये अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा। इसमें doctors को भी मदद मिलेगा, जी सिक्रेटर feedback है, whatever they want to make, तो फिर सब कुछ point बढ़ जाएंगे। पाँच छः डॉक्टर से लखनऊ से भी मैंने फोन से बात की थी आप लोगों से, तो वहाँ से भी मैं लगातार सर की बात, बिकॉज सी आज के ज़माने में अगर जो मॉडर्न इक्विपमेंट इतना अच्छे टूल्स आजकल उपलब्ध है, एंड इफ यू डोंट यूज वी वुड बी द बिगेस्ट फूल फॉर मेकिंग अ फूल ऑफ आस। बट द क्लिनिकल मैनेजमेंट फेज झांसी साइड में, ललितपुर साइड में बहुत रेयरली बसा हुआ है परिवार, लेकिन उनकी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी 20 से ऊपर है, 30 के करीब, तो 12-15 के ऊपर ले जाएं, जिससे कि हम सही लोगों का चिन्हांकन करें, उसका एक स्मार्ट सैंपलिंग हो। और दूसरा सर, हम लोग माइक्रो प्लान ले रहे हैं सर, अगले महीने इसी महीने से सर, अक्टूबर 1 से सर, हम लोग दो टू दो सर्वे अभी तक जो पेपर में हो रहा था सर, अब उसको ना करते हुए हम वाकई में सर 20 दिन लोगों को सर्वे कर रहे हैं। और सर इस बार सारी टीमों से नाम लेंगे, अभी तक सर संख्या आ रही है, जैसे एक टीम गई सर टीम ए 10 दिन बाद ही बताते हैं सर, 10 लोग शादी के ढूंढे, 5 लोग आईआई के ढूंढे, 5 लोग कुमारी के, हमें नहीं पता सर वो 20-21 बाकी में से। अब हम सर नाम लेंगे, राम प्रसाद, श्याम खन्ना, मोहम्मद अली, और ये डेटा बेस सर हम बिल्ड अपन करेंगे इनकी हेल्थ साथ में, और हम कंपेयर करेंगे जब हमारी डेथ एनालिसिस होगी क्या इनमें से किसी की डेथ हुई है, यदि इनमें से किसी की डेथ हुई है कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम सर काम नहीं किया। तो सर डोर टू डोर सैंपलिंग और अच्छी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हम उस वर्ग तक आप पहुँचेंगे जहाँ पर सर अभी तक नहीं पहुँचे। सर प्रेशर बैठ कर रहे होंगे और एक ऊपर से सर उसको काम करेंगे।